आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की खबर, अलीगढ़ से है, जहां राजस्थान के जिला जालोर में अध्यापक द्वारा दलित किशोर की हत्या के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। किशोर की हत्या से आक्रोशित अलीगढ़ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व वरिष्ठ नेतागणों ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसीएम प्रथम केबी सिंह को सौंपा है, जिसमें उन्होंने राजस्थान सरकार से मृतक किशोर के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा और अन्य सरकारी सुविधाएं दिए जाने की मांग की है। समाजवादी लोहिया वाहिनी के सभी हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी और जिम्मेदार साथियों ने आकर यहाँ एसीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है, जो जालौन जिले के दलित समाज के बच्चे के संग जो घटना घटी थी उसके विरोध में, क्योंकि आज भी छुआछात के को लेकर बहुत बड़ी बीमारी पैदा है अभी भी। समाजवादी लोहिया वाहिनी अलीगढ़ की जो ब्रांच है, इन्होंने एक ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदया को भेजे जाने के लिए प्रस्तुत किया है। इसमें जो राजस्थान में एक दलित बच्चे के साथ घटित घटना है उसके संबंध में इनका आक्रोश है। खबर कानपुर से है, जहां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से चोरी का मामला सामने आया है। आपको बता दें, चोरों ने 11 बैंक लॉकरों को काट कर करोड़ों का सामान चोरी कर लिया, जिसके बाद पीड़ितों ने पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाते हुए एसआईटी जांच की मांग की। हम यहाँ पर आए थे शिकायत लेकर, इसलिए कि पीएनबी बैंक साकेत नगर में है। 27 अप्रैल को जब हम लोग ऑपरेट करने गए, ताला खुलवाया मैनेजर, अंदर से पूरा सामान गायब था। एफआईआर बड़ी मुश्किल से 1.5-2 महीने बाद ऑपरेट बंद हुई, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। कमिश्नर साहब के पास आए थे 21 अक्टूबर में, मेरे लॉकर से सारे लॉकर की ज्वेलरी चली गई थी, जिसकी रिपोर्ट 3-4 दिन के बाद जब हुआ था ये केस 13 अक्टूबर को, और 17 तारीख को शायद मेरे ख्याल से रिपोर्ट लिख गई थी। साल भर हो गया, अभी तक उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उसी के लिए आज कमिश्नर साहब से मिलने आए थे कि कोई एक दो परिवार और हैं कि सारे लोगों को एक टीम गठित की जाए, जिससे कि इसकी कार्रवाई करी जा सके। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक व्यक्ति ने 1981 में लॉकर खोला था, और पिछले लगभग 17-18 वर्षों से वो वहाँ लॉकर देखने के लिए भी नहीं गए थे। ये मामला जब आया तो उस समय छुट्टियाँ चल रही थी और प्रशासनिक दृष्टि से बैंक से संपर्क करके डिटेल लेना संभव नहीं था। अभी बैंक से पूछा जा रहा है, इनका विषय है कि इनका लॉकर ही नहीं है। 1947 में जहां पूरे देश को आजादी मिली, तो वहीं बलिया के क्रांतिकारियों ने बलिया को 19 अगस्त 1942 में ही अंग्रेजों से आजाद करा लिया। इसी कारण बलिया में 19 अगस्त को बलिया बलिदान दिवस मनाया जाता है, जिसके अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलिया पहुंच रहे हैं, जिसकी जानकारी प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर ने प्रेस वार्ता करके दी। आज़ादी के बाद से ही हमारे बलिया में होता रहा है, उस दिन जेल का फाटक खुलता है और हमारे क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी जेल के से बाहर निकलते हैं। यह परंपरा को हम लोग बलियावासी इसको मनाते रहे, और हम सबके लिए सौभाग्य है कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में 19 अगस्त को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी महाराज वो आ रहे हैं और बलिया के स्वतंत्रता सेनानियों को, बलिया के स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों को और जो बलिया के जो अमर शहीद हुए हैं उनके परिवार को सम्मानित करने के लिए 19 अगस्त को बलिया आ रहे हैं। ये हम सबके लिए सौभाग्य और हर्ष का विषय। खबर अलीगढ़ से है, जहां बर्थडे पार्टी में दोस्तों में चिकन खाने को लेकर सिरफुटबल और फायरिंग हो गई। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें त्यागी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमलावरों ने फायरिंग के साथ ही गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पीड़ित पक्ष ने हमलावरों के खिलाफ थाना मडराक में
तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर मिली है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। मैं और मेरे दोस्त थे, एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में गए थे और वहाँ पे उन्होंने हमारे साथ मतलब हम लोगों ने पहले वहाँ पे एंजॉय किया, पार्टी वार्टी करी, डांस वांस किया। उसके बाद जैसे ही हम लोग खाना वाना खाने गए तो वहाँ पे चिकन विकन खाने के चक्कर में उनमें आपस में उन दोस्तों में उसके दूसरे दोस्तों में आपस में लड़ाई हुई और उनमें उन्होंने हमें गाली वाली दी। हम वहाँ से उठ के चलने लग गए तो हमारे गाड़ी पे तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी, गाड़ी के शीशे फोड़ दिए आगे पीछे के दोनों और निकाल के बाहर हम पे ईंटों से वार किया। उसके बाद हम वहां से जान बचा के भागे। खबर कानपुर से है जहां हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के स्वास्थ्य को लेकर कानपुर के प्राचीन पंचमुखी हनुमान मंदिर में महायज्ञ किया गया और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। वहीं अन्नू अवस्थी ने बताया कि राजू भैया के स्वास्थ्य में पहले से सुधार है और सभी कानपुरवासी राजू भैया के स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। आज ये पंची मंदिर में राजू भैया के स्वास्थ्य के लिए अजीत भैया ने और महाराज जी कृष्णादास जी ने और समस्त ये कानपुर क्षेत्र के लोगों ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, वही हम लोग कर रहे हैं। राजू भाई के स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है और ये सब प्रार्थनाओं का और दुआओं का एक जो दौर चल रहा है उससे राजू भाई को बहुत ही स्वास्थ्य में लाभ मिल रहा है और उसी स्वास्थ्य को देखते हुए कि जल्द से जल्द स्वस्थ होकर वो हम लोगों के बीच में आए। गाजियाबाद के खोड़ा में पिछले कई वर्षों से समाज सेवी बलराम सिंह द्वारा स्कूली बच्चों के साथ स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं बलराम सिंह ने बताया कि देश आजाद तो हो चुका है लेकिन कुछ सत्ताधारी नेताओं द्वारा अभी भी खोड़ा का क्षेत्र गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। जैसा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के नेता पिछले कई वर्षों से खोड़ा के लोगों को पानी के लिए लाखों रुपए खर्च कर बोरिंग करवाने के लिए मजबूर है, वहीं नगर पालिका चेयरमैन पानी की समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है। देखिए हमारे आदरणीय नेताजी के माध्यम से ये कार्यक्रम हर वर्ष बनाया जाता है और नेताजी के माध्यम से ही हर वर्ष जो हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को बनाया जाता है और तमाम जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको यहाँ पे आमंत्रित करके और इस जो राष्ट्र पर्व है इस राष्ट्र पर्व के अंदर हम सब लोग सम्मिलित होकर इसको बड़ी धूमधाम से मनाएं। तो मानूंगा यहाँ नगर पालिका को मानूंगा, वो लोग भाई नगर पालिका के कर्मचारी है अधिकारी है, वो लोग का गलती है, वो लोग करते हैं। तो यहाँ तो अंधेरपुर नगरी हो गया है, जिस दिन खोड़ा का जनता जाग जाएगी तो समझिए कि बड़ा बेड़ा पार होगा। खबर संभल से है जहां पर खनन माफिया द्वारा अवैध खनन किया जा रहा था, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने दो ट्रैक्टर ट्रॉली एवं एक जेसीबी को पकड़कर थाने ले आई और इसकी सूचना खनन अधिकारी को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे खनन अधिकारी ने दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली और एक जेसीबी को सीज कर दिया। खबर फरुखाबाद से है जहां के वरिष्ठ सपा नेता ने अपनी ही पार्टी पर हमला बोला और असेंबली चुनाव में सपा के टिकट बेचने का आरोप लगाया और कहा कि जीवन में पहली बार देखा कि समाजवादी पार्टी के भी टिकट बेचे गए। आपको बता दें कि ये सारा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आवास विकास स्थित जिला सपा कार्यालय का है। मैं आपको बताना चाहता हूं आखिरकार ये कौन से लोग थे जिसकी वजह से नाम चला कि समाजवादी पार्टी को दो लोगों ने बर्बाद कर दिया। उनको छांटिए दोस्तों, अगर उनकी पहचान करिए वो कौन दो लोग हैं जिन्होंने पार्टी को बेच दिया। खबर देवरिया से है जहां करायल शुक्ल में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तत्वाधान में कैंप लगाकर 1,50,000 रुपए की लोन बीमा ग्राहकों में वितरित किया। वहीं इस कैंप में ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्रामीण और व्यापारी उपस्थित रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पूरे भारत वर्ष में ये सेंट्रल बैंक का एक
क्रेडिट कैंपेन चल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग हर शाखा के आसपास के 2-3 ब्रांचेस मिला के क्रेडिट कैंपेन, इसमें जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है तो हम लोग उसका लाभ पूरे वहाँ पे जो है लोग उनको देना चाहते हैं। खबर चंदौली से है, जहां 16 अगस्त 1942 को धानापुर थाने को आजाद कराने वाली शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं शहीद महंगू सिंह, रघुनाथ सिंह, हीरा सिंह सहित 9 शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि इन वीरों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर करो या मरो आंदोलन के बीच धानापुर थाने को शहीदों ने अंग्रेजों से आजाद कराया था। 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी से पहले 16 अगस्त 1942 से 10 दिन तक धानापुर थाना आजाद रहा। वहीं इस मौके पर सैयद राजा, भाजपा विधायक सुशील सिंह सकलजीहा, सपा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आज हम सबके लिए, अपने इस क्षेत्र के लिए बहुत ही अपने उन वीर शहीदों को जिन्होंने 16 अगस्त 1942 में अपनी शहादत दे करके हमारे महमूद सिंह जी, हीरा सिंह जी, रघुनाथ सिंह जी ने और इनके साथ जो उसके मुखिया थे कामता प्रसाद विद्यार्थी जी ने भारत माता का झंडा लेकर के उनके साथ 10,000 की संख्या में लोगों ने, इस क्षेत्र के लोगों ने थाने का घेराव किया। संभल में अवैध खनन का काम जोरों पर चल रहा है, जहां खनन माफियाओं की दबंगई के चलते ग्रामीण परेशानी झेलने के बाद भी खनन माफिया का खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अवैध खनन की जानकारी होने के बाद भी न जाने क्यों अधिकारी मौके पर से अवैध खनन के वाहनों पर कार्रवाई करने से कतराते नजर आ रहे हैं। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बिछौली का बताया जा रहा है, जहां धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है। सुल्तानपुर में नगर पालिका परिषद की चेयरमैन बबिता जायसवाल की वित्तीय एवं प्रशासनिक पावर सीज होने के बाद शासन ने नियुक्त प्रशासन की अगुवाई में बैठक हुई और इस बैठक में सांसद मेनका गांधी और विधायक विनोद सिंह सहित तमाम सभासदों की मौजूदगी रही। वहीं इस बैठक में करीब 60 करोड़ का बजट पास किया गया। बजट पास होने के बाद मीडिया से रूबरू हुई सांसद मेनका गांधी ने पुण्यतिथि पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। हम उन वो बहुत ही काबिल प्रधानमंत्री थे, हम उनको बहुत मिस करते हैं और उन्होंने देश को आगे ले जाने के लिए सबकी सहमति से बहुत ही अच्छा कार्य करा। भारत को आज़ाद हुए 15 अगस्त 2022 को 75 साल पूरे हो गए। इस बार आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को 150 नई रोडवेज बसों की सौगात दी है, जिसमें 2 बसें शाहजहांपुर को भी मिली है। उपरोक्त जानकारी देते हुए शाहजहांपुर रोडवेज बस स्टैंड से भाजपा विधायक मानवेंद्र सिंह ने पूजन के बाद बसों का रिबन काटा और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले में दोनों बसों का संचालन अमर शहीद पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के नाम से किया जाएगा। इस दौरान भाजपा विधायक मानवेंद्र सिंह ने बताया कि शाहजहांपुर को 2 नई बसों के मिलने से यहां के यात्रियों की दिल्ली लखनऊ की यात्रा आनंदमय होगी। इस दौरान ARM SK वर्मा समेत रोडवेज बस स्टैंड के कर्मचारी और अन्य अधिकारी गण मौजूद रहे। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव आज़ादी का जो मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश में 150 बसों की, नई बसों की सेवा प्रदान की गई। हमारे जनपद शाहजहांपुर में भी ये 2 बसें नई आज यहां से शुभारंभ हो रहा है। इससे यात्रियों को बहुत अच्छी, लखनऊ जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए बहुत सुविधा प्राप्त होगी। और आज़ादी के अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से ये बसें आज यहां से शुभारंभ करेंगी, इनके नाम से बस का नामकरण।
खबर फरुखाबाद से है, जहां आवास विकास में अस्पतालों के बाहर बनी अवैध पार्किंग से आए दिन घंटों जाम लगता है। जाम लगने से शहरवासियों को भीषण जाम का सामना करना पड़ता है और काफी परेशानियां उठानी पड़ती है। बता दें, सड़क के किनारे बने फुटपाथ पर अवैध पार्किंग का कब्जा है। वहीं रसूखदारों के चलते अस्पतालों की अवैध पार्किंग पर कोई कार्रवाई नहीं होती। शहर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास का ये मामला बताया जा रहा है, जहां आज मिशन हॉस्पिटल से लेकर सिटी हॉस्पिटल और लोहिया मूर्ति तक घंटों जाम लगा रहा। अंबेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली पुलिस और स्वाट की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। बता दें, ये कार्रवाई कोतवाली अकबरपुर पुलिस और स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा की गई। अकबरपुर पुलिस टीम तहसील तिराहा पर चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान उसे सूचना मिला कि कुछ लोग दोस्तपुर बाईपास के अरिया बाजार के पास चोरी की मोटरसाइकिल के साथ मौजूद हैं। उक्त सूचना पर उन्होंने एसओजी को भी अपने साथ लिया और वहां जब पहुंचे वहां उन्हें 3 व्यक्ति मिले। उनके पास 3 अदद चोरी की मोटरसाइकिल थी, जिसके आज करने का पता चला। गाजियाबाद की शालीमार गार्डन में टेंट कारोबारी के बेटे अभिषेक के गले में चाइनीज मांझे से मौत हो गई। पिता ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा कि जब चाइनीज मांझे पर बैन लगा था तो ये दुकानों पर कैसे बेचा जा रहा है। ऐसे ही मौत के मामले हर बार देखने को मिलते हैं। प्रशासन के लाख मना करने पर भी चाइनीज मांझे बेचे जा रहे हैं। पिता ने लोगों से अपील की है कि चाइनीज मांझे पर रोक लगाई जाए, क्योंकि किसी के घर का चिराग ना बुझ जाए। औरैया जिले के फफून थाना क्षेत्र के गांव दौलतपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसको लेकर एक पीड़ित परिवार न्याय की आस में थाने से लेकर एसपी ऑफिस में अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है और एक विधवा गोद में मासूम को लेकर न्याय की आस में दिन काट रही है और अधिकारियों से अपने पति के मौत की इंसाफ की मांग कर रही है। मेरे भाई को 13/6/2022 को जल्लू उर्फ रमेश और राजेश और कुंजलता मेरे भाई को उन्होंने जहर का टॉर्चर किया और हरजन मुकदमा लगाया, जिसकी धमकी दी गई और 12 लाख की डिमांड करी गई। और मैं एसपी ऑफिस में आता है, फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो। थाने में जाते हैं, थाने वाले भी मेरी सुनवाई नहीं करते हैं। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।